तो आज का जो लुक होने वाला है वो है मेहंदी फंक्शन लुक, एंड अभी मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र, और ये बहुत ही हेक्टिक माहौल में हो रहा है, सॉरी फॉर द मेस, बिकॉज़ जब भी हम शादी में रेडी होते हैं तो ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल हैं, तो ये तो होंगी, सो कोप अप विथ मी। एंड नाउ वी आर डन विथ मॉइस्चराइज़र। इसके बाद मैंने यूज़ किया है लिप बाम, इसके बाद मैंने यूज़ किया है के ब्यूटी का फाउंडेशन, और आज मैंने अपने लुक में प्राइमर नहीं लगाया है, डायरेक्टली के ब्यूटी का फाउंडेशन लगाया है, एंड ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है अभी तक का। आप जैसे देख सकते हैं मेरी बॉटल भी ख़त्म होने को आ गई है, एंड ये जो फाउंडेशन की खूबियाँ जो मुझे पसंद है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होता है फेस पे, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मैंने कुछ लगाया है फेस पे। मैं डायरेक्टली के ब्यूटी का फाउंडेशन लगा के भी कई बार घर से निकल जाती हूँ, एंड उसके अलावा कुछ नहीं लगाती, बट ये पार्टी लुक है थोड़ा सा, तो मैं कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का, एंड ये भी मेरा अभी तक का फेवरेट कंसीलर में से एक है। एक तो अफोर्डेबल है, ऊपर से फुल कवरेज देता है। मेबेलिन का मैंने इससे पहले ट्राई किया था, एंड मेबेलिन एंड इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा। स्विस ब्यूटी अभी मेरी रिकमेंडेशन में सबसे ऊपर आता है, बिकॉज़ स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स एक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यू नो अच्छे लगे हैं, उसके लिपस्टिक्स, उसका ब्लश और लिप लाइनर, आईब्रो पेंसिल, सारी चीज़ें बहुत ही यू नो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे लगी। मैंने महंगे से महंगे प्रोडक्ट भी यूज़ करे हैं, बट स्विस ब्यूटी इज़ अ मस्ट। के बाद मैंने आई शेडो पैलेट ली है, एंड जैसे कि मैंने यूज़ किया है लाइटर शेड। आप कोई भी लाइटर शेड उठा के और इससे मिलता जुलता कलर उठा के आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं जो आई शेडो पैलेट मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो आप करो, बिकॉज़ मैं ये एक तरीके से रिकमेंड भी नहीं कर रही हूँ, ये मेरे पास अवेलेबल हैं, और ये मैंने अपने जो मैं सीखने की मेरी जर्नी है, मैं अभी भी मेकअप सीख रही हूँ, तो मैंने ये प्रोडक्ट्स लिए हैं। ये मेकअप आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट, एंड ये न्यूड शेड्स में है, एंड मैंने ये इसलिए लिया था बिकॉज़ ये हुडा ब्यूटी से बहुत मिलता जुलता है। आपके पास कोई भी पैलेट हो और ऐसा मिलता जुलता कलर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आप मेकअप पे ध्यान दे पा रहे होंगे, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, एंड ये होना बहुत ही कॉमन चीज़ है, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आप आउटर कॉर्नर्स पे डार्कर डार्कर शेड में जा सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी। मुझे ज़्यादा डार्क नहीं करना था बिकॉज़ मेरा मेकअप बहुत लाइट है, तो मैंने ब्राउन शेड लिया है, एंड बहुत ही मिनिमल अपना शेड रखा है अपनी आई शेडोज़ का। आउटर कॉर्नर से मैंने थोड़ा डार्क शेड लेके उसको ब्लेंड किया, एंड ये मैं वीडियो में लाना भूल गई, सॉरी फॉर इट, बट मैंने अभी जो अपनी आई में यूज़ किया वो था वाइट कलर का पाउडर, वाइट कलर जो किसी भी आई शेडो में मिल जाएगा आपको, और ये मैंने बहुत ही मैट लुक रखा है अपना। इसके बाद मैंने यूज़ किया है आईलाइनर, क्योंकि ये इंडियन ट्रेडिशनल लुक है, एंड वैसे तो विदाउट आईलाइनर भी ये बहुत अच्छा लगता, बट मैंने आईलाइनर बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ मैं अभी मश्कारा काइंड ऑफ गर्ल बन चुकी हूँ, एंड आईलाइनर मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। मश्कारा एंड आई शेडो आई थिंक इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, सो मैंने थोड़ा सा विंग क्रिएट किया है। अगर आप कंफर्टेबल हो विंग क्रिएट करने में तो आप बेशक कीजिए, वरना आप इसको फ्री टाइम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मेकअप करते वक्त अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप नॉर्मली ना एक नॉर्मल सा मश्कारा लाइन क्रिएट कर दो ऊपर से। विंग उस टाइम पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो विंग ख़राब हो गई तो आपका पूरा आई शेडो की ऐसे की तैसी हो जाएगी। इसके बाद मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का मश्कारा, एंड दिस इज़ माई फेवरेट मश्कारा, एंड ये ख़त्म होने को आया है, क्योंकि मैं नॉर्मली भी कहीं बाहर जा रही हूँ तो आई वुड डू नथिंग, बट मश्कारा इज़ अ मस्ट, सो या दैट्स इट। इसके बाद हम यूज़ करेंगे
अभी मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट, तो अभी हम फन पार्ट में। एंड मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है, एंड जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये है स्विस ब्यूटी का ब्लश। एंड स्विस ब्यूटी के ब्लश की पिगमेंटेशन बहुत हाई है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि पहले आप डैप डैप मोशन में ही उसको लगाएं एंड बाद में उसको रब करें एंड बहुत ही कम क्वांटिटी लें। इसके बाद आपको यूज़ करना है हाइलाइटर। हाइलाइटर मैंने अपने यूज़ किया है अपनी नोज़ में, अपने चीक्स पे। एंड ज़रूरी नहीं है हर किसी को हाइलाइटर पसंद हो, बट ज़िंदगी में कोई रोशनी ना हो तो हाइलाइटर से चमको। के बाद मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। वैसे तो मेरी आईब्रोज़ पहले से ही बहुत डार्क हैं, सो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में इसे यूज़ किया है। बाकी इसके बाद मैंने यूज़ किया है लिप लाइनर जो कि स्विस ब्यूटी का है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर मैं कह रही हूँ कि स्विस ब्यूटी अभी मेरा इस टाइम पे फेवरेट ब्रांड है, सो दिस इज़ ट्रू। क्योंकि एक तो एंड यस, दिस इज़ एग्जैक्टली द लिपस्टिक दैट आई एम यूजिंग। स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है ये भी, एंड ये मेरी तीसरी या चौथी इस तरीके की लिपस्टिक है। अलग अलग शेड्स हैं न्यूड्स में, बट इसके न्यूड्स बहुत अच्छे हैं स्विस ब्यूटी के। ऊपर से अफोर्डेबल, एंड गाइस दिस इज़ व्हाट अ गर्ल वांट। एक तो अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छा ब्रांड, ऊपर से अफोर्डेबल प्राइस। आई होप स्विस ब्यूटी कभी आगे जाके अपना प्राइस ना हाई कर दे। एंड एक छोटी सी बिंदी के बाद हम पहनेंगे झुमके। सो ये झुमका मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये मैंने लिया है अमेज़ोन से, आई थिंक 250 एंड 300 समथिंग के अंडर ये मुझे पड़ा है। एंड आई लव दीज काइंड ऑफ झुमकास दीज डेज। अभी जैसे झुमके के पीछे का खोना इट्स वेरी कॉमन, तो मैंने दूसरे से निकाल के ये अपने कान में लगा दिया। And this is my final look. I hope you like it. And please, if you like it, please like, subscribe and share. And do not forget to hit the subscribe button. Bye.